हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी ब्रोकली सूप। ये ब्रोकली सूप आप हार्ट पेशेंट्स को दे सकते हो, डायबिटीज़ पेशेंट को दे सकते हो और बच्चों को भी दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने चार लहसुन बारीक काट कर लिए हैं, आधा इंच अदरक होता है उसे कीस के लिया है। यहाँ पर थोड़े से ब्रोकली मैंने ऐसे रखे हैं साइड में, बाकी का बचा हुआ ब्रोकली मैंने बॉईल करके लिया है। तो एक ब्रोकली लगेगा आपको। बॉईल होने के बाद मैं इसे मिक्सर में डाल रही हूँ और ये पानी आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो ये स्टॉक का थोड़ा पानी मैं लूँगी और थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसकी प्यूरी बना के लूँगी। तो ठंडा कर लीजिए और इसकी इस तरह से प्यूरी बना के लीजिए। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट अभी मैं एक छोटी चम्मच तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा तेल और नमक नहीं डालना है हमें इसमें। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी जो मेरा अदरक है वो। तो ये गर्म हो जाने के बाद अब इसमें अदरक ऐड कीजिए। ये गया मेरा अदरक अंदर। अभी इसके बाद मैं ये जो ब्रोकली के छोटे छोटे क्यूब्स हैं वो थोड़े से स्टर फ्राई करके लूँगी। ब्रोकली से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और आपका ग्लूकोज लेवल भी कम रहता है। नेक्स्ट अभी इसमें मैं डाल रही हूँ जो प्यूरी बनाया था उसे। इसे थोड़ा सा आप स्टर कीजिए और नेक्स्ट अब इसमें डालेंगे जो वेजिटेबल स्टॉक है वो। बट उससे पहले मैं जो मेरे मिक्सर ग्राइंडर को जो लगा हुआ पेस्ट है वो वेस्ट नहीं जाने देकर उसमें डाल रही हूँ और सारा पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सो ये सूप में हम ये देख रहे हैं कि कम से कम तेल पड़े और कम से कम नमक पड़े, ताकि आपके जो हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ पेशेंट है, बच्चों के लिए भी ये बहुत बढ़िया होगा फिर। तो ये आप ऐसे मिक्स कीजिए। अभी से आप ढक के रखिए जब तक बॉईल नहीं आता स्लो हीट पर। तब तक मैं ब्लैक पेपर है उसे क्रश करके लूँगी। ब्लैक पेपर भी बहुत बेनिफिशियल है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। यहाँ पे मैंने एकदम कम कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें पानी डालकर मैं उसकी एक स्लरी बनाऊँगी। तो जब तक ये कॉर्नफ्लावर घुल नहीं जाता उसे आप मिक्स कीजिए। और अभी सूप पे चेक करते हैं तो सूप में भी बॉईल आना चालू हो गया है। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर ना भी डालो तो भी चलेगा, और कॉर्नफ्लावर की जगह पर आप अरारोट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो सूप को थिक करने के लिए, या फिर पोटैटो स्टार्च जो होता है वो भी आप डाल सकते हो, या फिर चावल का आटा भी थोड़ा डाल सकते हो। और सूप को आप आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से थिक करना हो तो आप कॉर्नफ्लावर की जो क्वांटिटी है उस अमाउंट में आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी जो मेरा काली मिर्च है वो। काली मिर्च भी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होती है और एक आपको किक मिलती है आप जब सूप पीते हो तभी, तो वो आप ऐड कीजिए। नेक्स्ट में बहुत ही कम आप देख सकते हो नमक ऐड कर रही हो। अगर आपको नॉर्मल लेवल का नमक पसंद हो तो आप उतना ऐड कर सकते हो, बट क्योंकि ये पेशेंट के लिए ऐप्ट है सूप तो कम डालिए। तो बस बॉईल आने तक वेट कीजिए और अगर आपको ये कंसिस्टेंसी पसंद आती है तो इस मोमेंट पे आप गैस बंद कर सकते हो। तो मुझे ये ठीक लग रही है तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। ब्रोकली भी मेरी अच्छे से पक चुकी है। सो रेडी है हमारा न्यूट्रिशियस हेल्दी ब्रोकली सूप। ये हमने बिल्कुल भी क्रीम या फिर ज़्यादा तेल या नमक डालकर नहीं बनाया है, तो आप इसे लंच के पहले पी सकते हो या फिर डिनर के पहले ले सकते हो। काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।